हेलो वेलकम बैक टू चैनल योर आईडी और आज हम बात करेंगे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के बारे में बेसिकली पूरी दुनिया से अ, अलग अलग तरह की वीडियोस और न्यूज़ आ रही है जिसमें दिख रहा है कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है अ, प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत अनोखे अनोखे तरीके अपना रहे हैं जैसे कि कई जगह पे वो ऑयल फेंक दे रहे हैं जैसे कि के शोरूम में ऑयल फेंक दिए थे मजराठी के शोरूम में ऑयल फेंक दिए थे एक जगह तो वो फरारी कार जो है उसको डैमेज कर दिए थे uh, वही इंग्लैंड में लंदन uh, में बेसिकली वैंगो की एक बहुत ही एक्सपेंसिव पेंटिंग है उसमें वो सूप फेंक दिए थे और अपने आप को ब्लू लगा के उस पेंटिंग से अटैच कर लिए थे सो so, इस तरह की जो प्रोटेस्ट uh, uh, है आखिर में ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट अभी क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा ये मास स्केल में क्यों हो रहा है क्योंकि रोज ही हर जगह से न्यूज़ आ रहा है कुछ ना कुछ आज ही मैंने जैसे वीडियो देखा था कि आ, एक एक्टिविस्ट जो है रन वे पे लेट गया था और अपने आप को ग्लू कर लिया था रन वे पे तो फ्लाइट डाइवर्ट करना पड़ गया था तो so, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे देखिए सबसे पहला बात यह है कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इनका जो मेन मोटिव ये है कि आ, इनका जो मैसेज है वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे uh, एक बहुत बड़े लेवल पे सब के पास पहुंच जाए क्योंकि uh, इनसे जब पूछा गया था कि क्यों ये अब वेंटलाइज करना चालू कर दिया बेसिकली डैमेज प्रॉपर्टी डैमेज क्यों करना चालू कर दिए हैं तो इन्होंने बताया कि हम पहले पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बेसिकली पहले ये बात कर, -कर करके पैनर uh, ले के, पोस्टर लेके बहुत ट्राई किए थे कि इनका जो मैसेज है गवर्नमेंट तक जाए और भी लोगों तक पहुँचे पर इनका जो मैसेज था वो ज़्यादा दूर तक पहुँच नहीं था तो इसलिए वो एक ये जो यूनिक तरीका है इसको अपना लिए कि अगर मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ है कोई ऐसी जो हाइप में बनी हुई चीज़ है उसके सामने प्रोटेस्ट करूँगा तो मेरी न्यूज़ बनेगी और वो हर जगह फैल जाएगी तो इसी वजह से जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट uh, है वो ये जो ऑप्शन है इसको ऑप्ट आउट किए हैं और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो so, अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इनके इस तरह से प्रोटेस्ट करना बेनिफिशियल हो रहा है उनके लिए क्या उनका मैसेज जाने के बाद कोई स्ट्रिक गाइडलाइन या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं देखिए कुछ जगह पे जैसे कि अमेरिका पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है बेसिकली uh, वो ड्राफ्ट uh, कर रही है कई जगह पे हो भी गया है बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी uh, गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग uh, स्टैंड ले रही है क्लाइमेट uh, चेंज को लेके और इंडिया में प्लास्टिक बैन हो गया है कुछ आ, प्लास्टिक आइटम जैसे कि पॉलिथीन बैग्स, स्ट्रॉज वगैरह वगैरह और गवर्नमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दे रही है बेसिकली जितना भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और लेकिन ग्लोबल लेवल पे देखें तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है आ, दुनिया जैसे कि जैसी है वैसी ही चल रही है इस तरह के प्रोटेस्ट पे मेरा क्या ओपिनियन है मेरी क्या राय है देखिए जब तक ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक सब ठीक था आ, मैं जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो जितने प्रोटेस्ट होते हैं उसको मैं सपोर्ट करता हूँ बट इस तरह के जो वायलेंट मेथड ये, ये यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ये पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं इतने ज़्यादा हिस्टोरिक हिस्टोरिकल आर्टिफ़ैक्ट्स को डैमेज कर रहे हैं पेंटिंग्स को डैमेज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है बट uh, uh, एक uh, सवाल ये भी उठता है कि ये इतना ज़्यादा रिस्क लेके uh, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा क्रिमिनल चार्ज और जो डैमेजेस uh, उससे उनसे जो कंप्लेंट डैमेजेस uh, जो क्लेम करेगा वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट क्लेम करेगा बट फिर भी ये इतना ज़्यादा रिस्क लेके इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं अदर दैन डैट मेरा सबसे यही मैसेज होगा कि जितने भी नेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और पॉलिसी जो है इस क्लाइमेट चेंज को लेके इम्प्लीमेंट करें और लोग भी अवेयर uh, हो इस uh, जो ग्लोबल फेनमेना है कि क्लाइमेट चेंज इसके बारे में लोग जाने और अवेयर हो क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ह्यूज डिज़ास्टर या फिर एपोकलिप्स ला सकता है अगर हम इसको नज़रअंदाज करते रहें आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के वीडियोज़ मैं और लाता रहूँगा तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर जय yeah, हिंद